लेखपाल ने पीएम आवास निर्माण पर लगाई रोक। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के विकास खंड उरुआ के बड़ी ग्राम पंचायत में नवीन परती की जमीन पर बन रहे पीएम आवास को हल्का लेखपाल की शिकायत पर रोक दिया गया है। उक्त ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना का लाभ कई अपात्रों को दिया गया है। शिकायत पर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने जांच कर कई खातों को होल्ड करा दिया है। सरकार की पीएम आवास योजना में प्रधान व सचिव के गठजोड़ से कई ग्राम पंचायतों में अपात्रों को आवास दे दिए गए हैं। बड़ी ग्राम पंचायत में तहसील अभिलेख में नवीन परती के खाते में दर्ज आरजी संख्या 263 में आवास लाभार्थी रज्जन मिश्रा निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। गांव वालों ने बताया कि नींव खुदाई का कार्य किया जा रहा है। शिकायत पर हल्का लेखपाल कमला शंकर पांडे ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोक दिया है। लेखपाल ने चौकी प्रभारी सिरसा को लिखित रूप में देकर निर्माण कार्य रोकने की सिफारिश की है। लोगों ने बताया कि रज्जन मिश्रा अपात्र हैं, उनके चयन में गंभीरता नहीं बरती गई। बता दें कि बड़ी ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना में कई अपात्रों को आवास आवंटित किया गया है। इसकी शिकायत पर तत्कालीन खंड विकास अधिकारी कुमार गौरव ने जांच के बाद चार लाभार्थियों के खाता संचालन पर रोक लगा दी है। जांच और कार्रवाई में देरी का लाभ लेते हुए लाभार्थियों ने बैंक से पहली किस्त निकाल ली थी। आवास योजना में पात्र चयन में हुई नियमों की अनदेखी का यह उदाहरण हो सकता है, लेकिन गहन जांच के बाद उरुआ और मेजा ब्लॉक की शायद ही कोई ग्राम पंचायत हो जहां इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। लाभार्थी चयन के नाम पर कई सचिवों और प्रधानों पर धन उगाही के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जांच में लीपापोती की जा रही है। हमारे ग्राम सभा बरी में नवीन परती का ग्राम सभा का एक जमीन भूखंड काफी समय से शादी गृह अथवा किसी सामाजिक कार्य के लिए उसको छोड़ा गया था कि उस पर कोई ऐसा निर्माण कराया जाएगा, शादी गृह या पंचायत भवन या कुछ भी। तो पंचायत भवन तो हमारे ग्राम सभा में अन्यत्र कहीं बन गया है, तो उसको शादी गृह बनवाने के लिए रखा गया है, जो कि अभिलेख में भी दर्ज है। वहाँ पे कुछ दबंग ऐसे लोग हैं जो कि जबरदस्ती उस पर प्रधानमंत्री आवास बन पाए हैं, जो कि अपात्र हैं, पात्र भी नहीं हैं। अब वो जबरदस्ती निर्माण करवाना चाह रहे हैं। वहाँ पे लेखपाल गए, जांच हुई, लेखपाल ने उनको मना किया, फिर उसके बाद नहीं माने तो लेखपाल ने एप्लीकेशन भी दिया, पुलिस आई, उनको ले गई। अब अभी भी उनका मनसूबा साफ नहीं है, लिहाजा शासन प्रशासन या डीएम महोदय सबको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इसमें तेज़ी से सख्त कार्रवाई करवाएं, नहीं तो जो भी ग्राम समाज की जमीन है, जो ग्राम समस्त ग्रामवासियों के लिए है, उसको दबंग कब्जा कर लेंगे और इससे गांव में अशांति फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका है। हत्या भी लोग कर सकते हैं, मारपीट हो सकती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शिवा पांडे है।